Hey guys, so welcome back to my channel everyone. I hope you guys are doing great. तो आज मैं इतने ये जो vlog होगा ये proper ऐसे vlog type नहीं होगा, but इसलिए आज का vlog थोड़ा informative होगा, इसलिए क्योंकि जो आज का मेरा agenda ये है, आज का topic ये है कि जो आज के नए नए vloggers आ रहे हैं, I know कि मैं भी नया हूँ और मैं भी अभी अभी just start किया है, बट मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, क्योंकि आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ क्योंकि व्लॉगर्स इतने सारे आ रहे हैं अब, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स ऑफ कोर्स ऐसे फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो मैं ये कुछ अपने एक्सपीरियंसेस इस टाइप में बताना चाहूँगा कि क्या सेटअप होना चाहिए आपके पास कि आप व्लॉगिंग और अपना इम्प्रूव कर सकते हो. बट आई नो कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बट रैदर देन आई वुड बी सेइंग कि आप सेटअप ना भी करो तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से कंटेंट इज वर्थ मोर देन हैविंग एक्सपेंसिव और गुड इक्विपमेंट्स, क्योंकि लोग आपके कंटेंट को देखते हैं ज़्यादा रैदर देन आपके इक्विपमेंट्स को देखते हैं, क्योंकि आप अपने व्लॉग में खुद ही आप ही दिख रहे हो, आपके इक्विपमेंट्स नहीं दिख रहे हैं. इक्विपमेंट्स आपका एक जरिया है कि वो आपके व्लॉग्स को, आपके कंटेंट को ज़्यादा अच्छा निखारने की कोशिश करता है, क्योंकि आप अच्छे से अच्छे कैमरा ले लो, अच्छे से अच्छे फ़ोन ले लो, अच्छे से अच्छे माइक ले लो, कुछ भी आप व्लॉग्स व्लॉग के कुछ मिलता जुलता कोई भी ऐसी कोई इक्विपमेंट ले लो जिससे आपका कुछ भी फ़ायदा हो. तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले कंटेंट पे ध्यान दो, क्योंकि कंटेंट इज़ एवरीथिंग, जस्ट नॉट जस्ट फॉर एनी व्लॉगर बट फॉर एवरी यूट्यूबर, एवरी वीडियो मेकर, जो भी कोई वीडियो बनाता है नॉर्मल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मेरे को तो प्लीज़ मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, और मैं वहीं पे आपको सारे अपडेट्स दिया करूँगा. और आज का एजेंडा यही है कि क्या क्या आपके पास सेटअप होना चाहिए कि आपको व्लॉगिंग फील्ड में आप आराम से एंटर हो सकते हो, वो भी इतने महंगे नहीं, चीप से चीप बजट में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के चीज़ें, आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स की आपको क्या क्या ज़रूरत है जो आप अपने व्लॉगिंग में आप इम्प्रूव कर सकते हो. वेल मैं इसको चार चीज़ों में डिवाइड करूँगा. पहला है ट्राईपॉड, माइक, फ़ोन और कैमरा, और चौथा बन जाता है आपका कंप्यूटर. ठीक है, वेल जो ट्राईपॉड है नंबर वन पे, ट्राईपॉड पे क्या है कि ट्राईपॉड इज एसेंशियल फॉर एवरी व्लॉगर, यूट्यूबर, और जो भी कोई फोटो शूट्स करता है, वीडियोस जो भी शूट्स करता है, तो एक ट्राईपॉड होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ट्राईपॉड से आपका काम बड़े आसानी से हो सकता है. आप अपने कैमरा को और अपने फ़ोन, या अपने फ़ोन को आप अगर आपको स्टेबल रखना है कि कोई भी आप इमेज ले रहे हो, वीडियो बना रहे हो, या फिर आप कुछ भी, आप कोई भी शॉट्स ले रहे हो अपने कैमरा से, अपने फ़ोन से, तो आपका ऐसे ऐसे कभी कैमरा या फ़ोन ऐसे नहीं होगा, ये कैमरा है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये कैमरा है, तो आप अपने कैमरा और फ़ोन ऐसे टिल्ट नहीं होगा. ट्राईपॉड इज़ जस्ट फॉर दैट केस कि आपका वो स्टेबल रहे, आपको जो भी अच्छे अच्छे शॉट्स दिख रहे हैं तो आप वो आराम से लो, क्योंकि जो ऐसे शॉट्स होते हैं वो आई नो आपके लिए बहुत क्लोज होते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे शॉट्स लो कैमरा से, फ़ोन से, जो आपको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट शॉट आई हैव एवर टेकन इन माय लाइफ, तो वो एक ट्राईपॉड ही आपका मदद कर सकता है. तो जो व्लॉगिंग के लिए जो ट्राईपॉड यूज़ होता है वो है ये, है ये गोरिल्ला ट्राईपॉड है, आपने मेरे कुछ व्लॉग्स में देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे बाकी व्लॉग्स करो, देखो और लाइक करो और शेयर करो सबके साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को. और ये है एक नॉर्मल गोरिल्ला ट्राईपॉड, ये आप अमेज़ॉन पे आराम से ले लोगे, ये 500 रुपीज़ का आता है, इससे भी कम में आता है, मगर मेरे ख्याल से ये ड्यूरेबल है और इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है. बस एक चीज़ की दिक्कत है, वो है स्क्रू की, क्योंकि मैंने अपने उसके साथ मैंने इसको बहुत मैंने चीज़ें को मैंने लगाया, जैसे फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, तो ये थोड़ा बहुत ढीला पड़ जाता है, तो आप इसको स्क्रू से आराम से इसको सही कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है.
तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग ट्राईपॉड है, गोरिल्ला ट्राईपॉड है, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो नॉर्मल व्लॉगिंग्स में। और जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतना जो मेरा फ़ोन और कैमरा इतना स्टेबल है, वो एक ये ट्राईपॉड है, मैं इसका डब्बा दिखा देता हूँ। तो ये है एक ट्राईपॉड, ये नॉर्मल ट्राईपॉड है, आप इसको आराम से, आप इसको अमेजोन में भी देख खरीद सकते हो। ये डिजिटेक का ट्राईपॉड है और ये बहुत ही इसकी हाइट अच्छी खासी है, इसकी प्रॉब्ली इसकी होगी मोर देन 5 फुट 10 इंचेस, मतलब इतना तो होगा ही, क्योंकि आपको जैसे नॉर्मल शॉर्ट्स लेने हो और जिसमें आपको कुछ और भी कुछ शॉर्ट्स लेने हो, मगर आप चाहते भी हो कि आप वो भी शॉर्ट्स लो, तो आप नॉर्मल ट्राईपॉड से भी आप शॉर्ट्स ले सकते हो, वो भी अच्छे खासे। और जैसे आपको टाइम लैप्स लेना होता है, आई गेस आपको टाइम लैप्स पता होगा, तो टाइम लैप्स आपको जब भी लेना होता है तो टाइम लैप्स के लिए आप एक कैमरा या फिर एक फ़ोन आप ऐसे ही रख दो ट्राईपॉड पे, आप इसको इंस्टॉल कर लो, फिर इसके बाद आप उसको आराम से जो आपके शॉर्ट्स से शॉर्ट्स चाहते हो आपको ट्राईपॉड से लेना है, या फिर टाइम लैप्स हो गया, या फिर आपका स्लो मोशन हो गया, कुछ भी हो गया जो आपको लेना है, जो भी आपको शॉर्ट्स लेने हैं, तो ये एक नॉर्मल ट्राईपॉड आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो ये एक ऐसा ट्राईपॉड है जो मेरे ख्याल से इसने बहुत हेल्प की है, ये मेरे पहले वाले YouTube चैनल में भी हेल्प करी है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखो। और ये ट्राईपॉड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज़ आया मेरे लिए और मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, और आई थिंक ये आप लोगों को लेना चाहिए। तो इसका और गोरिल्ला ट्राईपॉड का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज़ जाके देखो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़। आते हैं पार्ट टू पे। अब पार्ट टू में आपका है माइक। माइक एक ऐसी चीज़ है जो व्लॉगिंग में सख्त ज़रूरत है। सख्त ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप घर पे हो तो आप माइक नहीं भी यूज़ करोगे, देन इट्स फाइन। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको अपने मोमेंट्स कैप्चर करने हैं, या फिर आपको कोई अच्छा एक कॉन्वर्सेशन करना है, तो आपको माइक्स की अच्छी खासी ज़रूरत है, क्योंकि भीड़ इलाके में अगर आप माइक्स को नहीं इंस्टॉल करोगे तो आपको सराउंडिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, रादर देन कि आप किसी बंदे के साथ बात कर रहे हो या फिर आप खुद व्लॉगिंग कर रहे हो, खुद ही अपने आप बात कर रहे हो, तो आपको एक माइक की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। तो आपके तो एक माइक, मेरे पास एक नहीं, मेरे पास दो माइक हैं, तो दोनों माइक दोनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए है और दोनों ही अलग यूजेस के लिए हैं। पहला माइक जो मेरे पास है, दैट इज़ फॉर मेन, नॉट आई विल नॉट से इट्स मेनली फॉर व्लॉगिंग, बट इट कैन बी यूज इन अदर वीडियोज, बट जो सेकेंड वाला है वो व्लॉगिंग के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है, बाकी सबका अलग कहना होगा, आई नो, बट अगर आपको ओपिनियन डालना तो प्लीज़ कमेंट करके डालना। सेकंड वन इज लेवलियर माइक जो मैंने लगा रखा है, ये लेवलियर माइक है, या इसको आप कॉलर माइक भी कह लो, बहुत लोग लगाते होंगे जो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी टीवी शो में या फिर किसी न्यूज़ चैनल में, आपने हर जगह देखा होगा आई गेस, तो आप वहाँ से जाके आप देख लो। और ये इसका मैं लिंक डाल दूंगा, ये है बोया M1 माइक, ये लेवलियर माइक है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये एक बोया बाय M1 माइक है, जो कि ये बहुत ही अच्छा लेवलियर या कॉलर माइक कह लो, ये बहुत ही अच्छा माइक है, इससे मैंने बहुत अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स की हैं, और मैं इसकी आवाज़ जब मैंने बाद में रिकॉर्ड करके सुनी, मैं बहुत 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 हैरान हुआ हूँ, क्योंकि मैंने म्यूज़िक वीडियोस बनाई हैं लिटरली, अगर नहीं देखा तो जाके देखो, मेरे रिसेंट म्यूज़िक वीडियोस हैं वो भी जाके देखो, बहुत, ये मैंने इसी से ही रिकॉर्डिंग करी है, एंड गेस व्हाट, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, तो मैंने ये चीज़ मैंने ये महसूस की कि मुझे लगा कि मुझे यहीं पर ही आवाज़ आएगी, बट जो मेन जो आवाज़ आई है वो आई है, गिटार की भी आई है, मेरी भी आई है, खुद की भी आई है, तो ये जो चीज़ मैंने महसूस करी बहुत अच्छी लगी मेरे को। और अगर आपको ये वाला माइक ज़्यादा पसंद आएगा, और आएगा इसलिए क्योंकि ये दिस माइक्स इज़ जनरली यूज फॉर द कॉन्वर्सेशन, और या फिर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ऑडियो इसका इज सुपर्ब, लिटरली इट्स सुपर्ब। बोया के जो माइक्स हैं, आई नो कि
थोड़े बहुत एक्सपेंसिव है, बट इतने भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो खरीदा है अराउंड 1000 रुपीज का मैंने खरीदा है, तो ये इट्स नॉट एक्सपेंसिव फॉर मी, बट आई नो कि कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव भी होगा, बहुत लोग चाह भी रहे होंगे कि इससे भी सस्ता माइक हो, बट अगर क्वालिटी अगर आपको चाहिए स्टार्टिंग से ही, तो आप ये माइक ज़रूर लो। इससे आप कुछ भी, अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो रादर देन ब्लॉगिंग, तो आप इससे आप ब्लॉगिंग कर सकते, इससे आप नॉर्मल कोई भी वीडियो आप शूट्स कर सकते हो, और इससे आप बात भी कर सकते हो, और इसकी जो सबसे एक कॉन है, बट बहुत लोगों के लिए ये प्रो भी होगा, वो ये है कि इसका जो वायर है ये इतना लंबा है, मतलब ये तो आपको इतना ही दिख रहा है क्योंकि मैंने लगाया हुआ है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअल में इसके जो इसका जो वायर है ये बहुत लंबा है, अराउंड 5 से 6, आई डोंट नो मैं सही भी बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बट इसको मैंने खोला भी नहीं है, उसके जो भी वायर जितने बचे हैं वो भी उतने गुच्छे में ही हैं, तो मैंने उसको मैं खोला भी नहीं है, बट आई नो कि ये बहुत लंबा होगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, तो जैसे मैं इधर बैठा हूँ तो ये कम से कम इस स्क्वायर की ये पूरा 2 राउंड कवर कर लेगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, 2 क्या 3 4 भी कर सकता है, तो मैं इसकी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि बहुत लंबा है, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत प्रॉफिटेबल है या बहुत बेनिफिशियल है। प्रॉफिटेबल इसलिए क्योंकि ये आपको कम दाम में आपको एक बेटर क्वालिटी दे रहा है, और बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, और दूसरी जो जो लोग जिनको दूर से रिकॉर्ड करना है, राइट नाउ आई एम जस्ट यू नो इतना ज़्यादा गैप भी नहीं होगा, मैं इतना ही हूँ और यहाँ तक ऐसा है, तो जो लोग दूर दूर से शॉट्स लेना चाह रहे हैं, जो मतलब जैसे मान लो इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया मुंबई का, बहुत जगह के जो जैसे शॉट्स लेने की ताकि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया है या इंडिया गेट आए या कुतुब मीनार आए, तो वो उस चीज़ के लिए ये ऐसे माइक्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको नॉर्मल जैसे अगर आपको व्लॉग्स नहीं करने, आई डोंट नो, बट अगर ये व्लॉग्स के लिए भी अगर ये यूज़ होते तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये व्लॉग्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, बट अगर ऐसा होता है तो आई एम सॉरी, बट इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि ये मेरे एक और चीज़ में काम आ जाएगा, वो भी है व्लॉग्स में, तो आई नो कि अगर इस चीज़ में भी काम आ जाता है देन इट्स गुड, अगर नहीं भी आता है देन इट्स ऑल्सो ओके, तो वो भी ठीक है, तो मैं उस चीज़ को मैं यूज़ कर लूँगा। तो अब आते हैं दूसरा जो है एक शॉटगन माइक। शॉटगन माइक होता क्या है कि बेसिकली व्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है, व्लॉगिंग के लिए इसलिए क्योंकि ये माइक बिल्कुल ही आप पे बिल्कुल फोकस करेगा कैमरे से, अगर आप कैमरे पे लगाते हो तो कैमरे के ऊपर से लगा के सीधा ऐसे शॉटगन माइक होगा, जस्ट आपकी ही आवाज़ आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी की आवाज़ वो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि शॉटगन का मेन यही फंक्शन होता है कि वो आपकी आवाज़ डायरेक्ट पकड़ेगा और किसी की भी नहीं पकड़ेगा, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ कि कोई भी मतलब एक दूसरा कोई मतलब मैं किसी से बात करूँ तो ऐसा नहीं, बट मेन मेरा कहने का मतलब है कि सराउंडिंग की आवाज़ कोई नहीं पकड़ेगा, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप जब उसका फाइनल जवाब उसकी आवाज़ सुनोगे जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए शॉटगन माइक के लिए मैंने मंगवाया बोया बाय MM1 का ये शॉटगन माइक मंगवाया है। इस शॉटगन माइक में अब बस आपको एक चीज़ करनी है, वो ये है कि इसका ओपन कैमरा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपको उससे आपका ये वीडियो रिकॉर्ड होगा। आई डोंट नो क्यों, बट इस पर ये हो सकता है क्योंकि इसके जो सिस्टम होगा या फिर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो मेनली वो मतलब इस कैमरे से रिलेटेड नहीं होंगी, इस कैमरे से मे बी अपडेटेड हो मे बी नॉट, तो आई डोंट नो क्यों, बट ओपन कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सारे ब्लॉग्स में मैंने बहुत यूज़ करा है, तो उसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई अभी तक। तो अगर आपको ये लेना है तो इसका और लेवलियर माइक का दोनों का मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके आप देखिए, आप इसको खरीदिए, एंड ये है मेन, ये है दिस इज़ शॉटगन माइक, तो ये इसका जो जैक है ये 3.5 mm का है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो आप किसी भी फ़ोन या कैमरे पे लगा सकते हो। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे कैमरे में जो दिक्कत थी कि मैं इसको कैमरे से क्यों नहीं व्लॉग शूट करता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा, तो आप मेरे व्लॉग्स देखो और तब आना, तब मेरी बात समझना, और तब
मेरे पे दया दिखाना कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो प्लीज़ ऐसा ना ही हो फ्यूचर में, और आपके साथ भी ना हो, तो मेक श्योर जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो बिल्कुल ही देख के खरीद रहे हो, वैल्यूएबल हो और उसकी क्वालिटी बिल्कुल एकदम बढ़िया हो। तो ये मैंने जब लिया था, ये माइक मैंने लिया था, ये मैंने लिया था अराउंड 2000 का लिया था। तो 2000 का ये दिस माइक इज़ नॉट बैड, इसकी क्वालिटी इज़ वाह, मतलब बिल्कुल ही बढ़िया धांसू और एकदम झकास वाला। और अगर आपको लेना हो तो ये ले सकते हो, ये मुझे तो बहुत पसंद आया। जो तीसरी चीज़ है वो है फ़ोन और कैमरा। मैंने इसको ऑब्लिक में इसलिए कर रखा है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपके इक्विपमेंट से मैटर नहीं करता, मेन आपके कंटेंट से करता है। तो अगर आप इन चीज़ों के बजाय भी अगर आप फ़ोन से ही अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और क्योंकि अगर आपका कंटेंट ज़्यादा अच्छा हुआ तो क्या पता आप कंटेंट के वजह से ही आपका वीडियो वायरल हो जाए, फेमस हो जाओ, तो भगवान करे ऐसा ही हो। और मेरे लिए भी दुआ करते रहो कि मैं भी फेमस हो जाऊँ। बट एक पॉइंट है कि फ़ोन, अगर आपको फ़ोन लेना है तो स्पेशली अगर आपको रियर कैमरा आपका अच्छा होना चाहिए। सेल्फी कैमरा अब आई डोंट नो, क्योंकि अब तो सेल्फी कैमरा मेरे ख्याल से अब अच्छे भी नहीं आ रहे कुछ के, क्योंकि सेल्फी कैमरे की कभी क्वालिटी कभी अच्छी नहीं होती। भगवान का शुक्र है कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सेल्फी कैमरा से कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है, क्योंकि जो फ़ोन मेरा है वो है रेडमी नोट 6 प्रो। आई नो ये बहुत पुराना है बट इसका जो कैमरा है एकदम मतलब वाह, क्योंकि इसका जो सेल्फी कैमरा, ये डुअल सेल्फी कैमरा है। आई नो कि ये कैमरा मेरे को इतना अट्रैक्ट नहीं करता बट जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अट्रैक्ट करती है मेरे को। इसका जो लास्ट जो पूरा फुली कवर्ड वीडियो आती है बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। तो ये जो मेरा कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल फोकस कैमरा है। तो इस फोन को तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, अगर मेरे पास कैमरा अभी तक नहीं भी आया तो अच्छी क्वालिटी का, तो ये फोन मैं रखूँगा। मतलब अगर चाहे कुछ भी कितना भी अपग्रेड कर लो, क्योंकि इस फोन से बहुत यादें जुड़ी हैं। इस फोन से मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल के भी वीडियोस किए हैं, उसकी भी अच्छी क्वालिटी आई है, इसकी भी अच्छी क्वालिटी आई है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो इस फोन को मैं जाने दूंगा, भले ही मैं दूसरा फोन ले लूंगा बट मैं इसको नहीं जाने दूंगा। तो अब कैमरे की बात आई गई थी तो अब कैमरे की बात करते हैं। तो कैमरा मेरा है 1200D का, और उस 1200D में बस आपको एक चीज़ दिखानी थी, वो आपने देख ली होगी आई गेस अपने व्लॉग में, मेरे व्लॉग्स में। तो उसमें यही था कि इसमें 1.2 mm का जैक था, तो उसके वजह से मैं वो कैमरा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल आई कैन यूज़ इट फॉर सम यू नो टेकिंग सम शॉर्ट्स और टेकिंग सम काइंड ऑफ वीडियोज़ और टेकिंग अ टाइम लैप्स। सो इट्स इट यू नो एट दिस टाइम ऑल्सो कि वो मेरे लिए भी बहुत अच्छी यूज़ का है, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वो कैमरा जो मैंने 4 साल पहले लिया था तो मैंने उसको अच्छे से यूज़ करा था, तो वो मतलब उस टाइम पे तो बहुत अच्छा चल रहा था। अब इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उस कैमरे की जो मतलब जैक की जो प्रॉब्लम है, बस वही वही एक जो है प्रॉब्लम है वो एक डिफर करता है, वरना वैसे कैनन 1200D इट्स गुड फॉर मी। और अगर चेंज करना होता तो उस वक्त मेरे पास था दो ऑप्शन थे, 700D पे या 1200D पे, तो मैंने वो चीज़ गलत कर दी कि मैंने 700D नहीं लिया, क्योंकि 700D वॉज एट द टाइम इट वॉज गोइंग रियली वेल। 700D नहीं लिया क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लैप कैमरा वो था, मॉनिटर था उस पर, तो वो भी एक चीज़ थी, और दूसरा था वो 3.5 mm जैक भी उसमें लग जाता था, तो मेरे लिए वो दोनों ही चीज़ें अच्छी थी, तो मैं ले सकता था बट मैंने लिया नहीं। बट कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, वो आगे जाके होगा, चेंजेस होंगे तो वो मैं करूँगा ज़रूर। तो ये था मेरा फ़ोन और कैमरा का। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो है कंप्यूटर। कंप्यूटर इसलिए क्योंकि इस चीज़ के लिए, क्योंकि बिकॉज इफ़ यू आर शूटिंग एनी कॉन्टेंट, आई नो इट्स इफ़ यू आर शूटिंग एनी कॉन्टेंट इट वुड बी क्रिस्प, इट वुड बी रियली गुड, इट वुड बी ग्रेट, एंड पीपल विल लव लव योर वीडियो टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपको कंप्यूटर से ही वो चीज़ हटानी है, जैसे कुछ शॉर्ट्स हो गए जो आपको नहीं लग रहा कि नहीं अच्छे लिए हैं तो आप उसको हटाओगे, कुछ
कुछ शॉट्स आपको अच्छे लगे हैं बेहद, तो आप उसको रखना चाहोगे, उसको वीडियो में डालोगे, एडिट करोगे, तो वो मेन उसी चीज़ का आता है एडिटिंग का। तो एडिटिंग का मैंने इसलिए बोला क्योंकि एडिटिंग आप फ़ोन से भी कर सकते हो, मैं फ़ोन से ही करता हूँ। मैंने लैपटॉप, अभी तक मेरा कोई ऐसा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप ऐसा है नहीं जो जिससे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको, अगर आपके पास इतना बजट है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर आप खरीद सकते हो तो ख़रीदो, और अगर आपको ख़रीदना हो तो कम से कम 8 GB रैम का हो, और कम से कम उसमें 2 या 4 GB तक का ग्राफिक कार्ड हो, और कम से कम ऑक्टाकोर में भी, और कम से कम आपको एक गेमिंग लैपटॉप तो बनाना ही पड़ेगा अगर आपको 1080p का कोई एक वीडियो शूट करना है तो, और अगर 4K का लेना है तब तो आप बाकी सारे YouTube वीडियोस पे देख सकते हो, मैं उस पर आऊँगा नहीं क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग है वो मैं 1080p से ही कर रहा हूँ, तो 1080p के लिए ही मैं बोलूँगा, और 4K का जब आएगा तो मैं दोबारा डालूँगा। तो ये मेरा पहला वाला है एडिशन, तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें डालूँगा जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए डाल रहा हूँ कंप्यूटर जस्ट बिकॉज की नॉट जस्ट फॉर एडिटिंग बट इट इज़ स्टोरिंग योर वीडियोज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैं अपने रॉ वीडियोज़ भी मैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे मैं सेव करके रखता हूँ, और अपने जो फाइनली रेंडर्ड वीडियो है मैं उसको भी मैं लैपटॉप में मैं सेव करके रखता हूँ। और जो लोग अभी नए लोग आए हैं, आई नो मैं भी नया ही हूँ, बट ये भी चीज़ है, एक रूल है कि आप उसको रखे रहो, यू नेवर नो कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए इन द नियर फ्यूचर, तो आप उसको रख लो, और आप उसको बाद में अगर आपको यूसेज हो तो आप उसको यूज़ कर पाओ इन योर नियर फ्यूचर। वेल अब ये तो हो गया, बट मोबाइल को लगाने के लिए भी आपको एक चीज़ की सख्त ज़रूरत है, वो है ये मोबाइल होल्डर जो ये मैंने ट्राईपॉड पे लगा रखा है। मोबाइल होल्डर का ये है कि आप जब इस चीज़ को यूज़ करोगे ना फ़ोन को लगाने के लिए, ये है यूलांजी का, इसका मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये यूलांजी का है, अब पता नहीं है वो दिख भी नहीं रहा है, तो ये यूलांजी का ये एक मोबाइल होल्डर है। अगर आप मोबाइल से व्लॉगिंग करते हो तो आप ये इसको आप लो अमेज़ॉन से, ये मैंने लिया है, आई नो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये 1700 का ये है, क्योंकि इस चीज़ को इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरे को ये नॉर्मल जब फ़ोन लगाता हूँ ट्राईपॉड मतलब मोबाइल होल्डर पे नॉर्मल होल्डर से तो वो मैं नहीं लगा पाता हूँ, तो इस चीज़ के लिए ये शॉटगन माइक होता है, यहाँ पे एक स्पेस दिया है ये वाला, तो इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, और यहाँ पे ऐसे लगा के इसको बस 2-3 बार ऐसे घुमाना है, और देखो ये पूरा एक आपका एक मोबाइल होल्डर विद माइक इंस्टॉल्ड, आपका ये पूरा एक वो बन गया सिस्टम। तो अभी जैसे ये सिर्फ ये है, अब मैं इसको भी लगाता हूँ, ये एक्चुअली ये भी जो एक चीज़ है ये ट्राईपॉड के बाद, वो है एक 360 डिग्री मूवर, इसमें बॉल लगा है सिल्वर कलर का। तो उसमें होता क्या है कि जैसे अगर आपको कहीं कैमरा आपको कहीं भी घुमाना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे किधर भी घुमाना हो, तो वो आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी मतलब वो कभी हिलेगा नहीं आपका, और आपको एक अच्छा खासा शॉट भी मिल जाएगा जैसे आप चाहते हैं। तो ये एक पूरा एक व्लॉगिंग सेटअप बन जाता है। अब फ़ोन तो मैं ला नहीं सकता हूँ क्योंकि फ़ोन मेरा, मैं उसी फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये एक ऐसा सेटअप है जो फ़ोन का सेटअप है व्लॉगिंग का, जिससे आप आराम से इसको रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी व्लॉग्स को या किसी भी चीज़ को। तो ये दिस इज़ अ नॉर्मल सेटअप लाइक दिस। वेल ये था मेरा नया वाला एडिशन ऑफ एडिशन, क्या कहूँगा मैं, कहूँगा कि इट्स माय 2020 व्लॉगिंग सेटअप का, और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर कुछ सजेशंस अगर आपको देने हो कि कौन सी चीज़ अगर मैं खरीद सकता हूँ जिससे मेरी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। और आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी करना हो तो, बट प्लीज़ शेयर कर दो, और
जो लाल वाला बटन है कहाँ है, इधर है? नहीं इधर है। एक बार ना कमेंट करके बता दो कि सब्सक्राइब किस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है, तो मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं हर बार कंफ्यूज होता हूँ। बट प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओ, और जितना मेरे को हेल्प कर सकते हो आप मेरे को उतनी हेल्प करो, और ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और ऐसी व्लॉग्स लाता रहूं। आई नो कि ये कुछ ज़्यादा ही वैसा होगा कि मैं बिल्कुल सामने बैठा हूँ, व्लॉग टाइप नहीं कर रहा हूँ, बट ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैं अपने पास रखना चाह रहा हूँ और मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। रखना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ एक टाइप ऑफ अ रोड टू जर्नी टू द सक्सेस हो गया, रोड टू द सक्सेस हो गया। वही एक ही बात हुई कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, ऐसा था। और एक ये चीज़ है आपके लिए इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि क्या पता आपको यूज़ हो जाए मेरी वीडियोस। अगर आपको यूज़ हुई तो प्लीज़ उसको शेयर करना ज़रूर, और किसी के लिए भी, अगर जो भी कोई नया कोई भी नया नया यूट्यूबर आ रहा है यहाँ पे इस दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब और इन द वर्ल्ड ऑफ व्लॉग्स या कुछ भी, किसी भी वीडियो के लिए, तो प्लीज़ उनको भी ये रेकमेंड करना कि मेरी वीडियोज़ देखें। और आज के लिए बस इतना ही। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम।